और खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात की और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार ने बगैर तैयारी के नोटबंदी के आदेश दिए हैं। कहीं बैंक में नए नोट नहीं मिलते तो कहीं किसान कतारों में खड़े हैं। हालत ये है कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने काम काज छोड़कर लोग बैंकों के सामने खड़े रहते हैं। शादियों के काम निपटाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं। किसानों के पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। लोग खुदकुशी करने को आमादा हैं। इसका जवाब पीएम खुद दें। यही नहीं, जाते जाते सीएम पार्टी के कामों को गिनाना नहीं भूले। उन्होंने साफ कहा कि सपा ने अस्पताल से लेकर हेलीपैड तक बनवाए हैं, जिसे जनता कभी नहीं भूलेगी और अगले चुनाव में भी पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। जो किसान है उसे बुवाई करनी है, खाद खरीदनी है, अपने दिन प्रतिदिन के जो उसके काम हैं वो करने हैं, लेकिन करेंसी को लेकर के 500 हजार रुपए को लेकर के बहुत उसके सामने संकट है। मान लीजिए किसान अगर परेशान हो गया और उसके सामने ये संकट आ गया तो अभी तो जैसे तैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने तो मदद की थी, जब ओलावृष्टि से नुकसान हुआ किसानों का, जो उम्मीद थी केंद्र सरकार से, जो केंद्र सरकार से मदद पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं मदद पहुंची। मान लीजिए बीजेपी वाले बड़े नेता आते हैं, अभी मान लो जिले जिलों में जा रहे हैं, इटावा के बारे में मैंने बताया ही था कि जिस हवाई पट्टी पे उतरे थे वो समाजवादियों ने बनाई, जिस सड़क से चले वो समाजवादियों ने बनाई, जिस पंडाल में भाषण दिया वो समाजवादियों ने बनाया। अब मान लो आजमगढ़ में बोल के आ गए, अब सोचिए मेडिकल कॉलेज नेताजी ने बनाया, सड़कें बना रहे हम लोग, बिजली की व्यवस्था कर रहे ठीक हम लोग, पैरामेडिकल हम लोगों ने, चीनी मिल समाजवादियों ने, वहां पर दूध का काम समाजवादियों ने, अस्पताल समाजवादियों ने, एम्बुलेंस समाजवादियों ने, हवाई पट्टी समाजवादियों ने। अरे भाई आप गए थे, कुछ तो बताया थे कि तुमने क्या काम किया है।